हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। एक बार फिर से हाजिर एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। बात करेंगे सलार को लेकर के। देखिए, सलार टलने से एनिमल पर खतरा मंडरा रहा है। अगर ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, उसको लेकर के हम बात कर लेते हैं। तो पैन इंडिया स्टारर प्रभास की फिल्म सलार उन फिल्मों में से है जिनका इंतजार जनता को काफ़ी समय से था। जैसे कि जीएफ फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर प्रभास नील ने इस फिल्म के मेकर्स ने प्रभास को ऐसे एक्शन अवतार में दिखाने का वादा किया जैसा उन्हें पहले कभी नहीं दिखाया गया। केजीएफ ने ऐसे कनेक्शन होने की उम्मीद ने सिनेमा फैंस के इस फिल्म के लिए और भी ज़्यादा बेसब्री बढ़ा दी है। जनता किस शिद्दत से सलार का इंतजार कर रही है, इसका एक सबूत फिल्म का टीजर रिलीज होने पर ही साफ तौर पर मिलता नजर आया। 6 जुलाई को सलार का टीजर रिलीज किया गया। दर्शकों की एक्साइटमेंट ऐसी थी कि पहले 24 घंटे में ही इस टीजर को 83 मिलियन से ज़्यादा यूट्यूब व्यूज मिल गए। पहले 24 घंटे में किसी भी इंडियन फिल्म का सबसे ज़्यादा देखा गया टीज़र ये बन गया। टीज़र देखने के बाद जनता टकटकी लगाई हुई थी कि फिल्म की रिलीज़ डेट 28 सितंबर का इंतज़ार करने लगी, मगर रिपोर्ट्स कहती हैं कि सलार की रिलीज़ डेट टाली जा रही है। ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि सलार के पोस्ट जो हैं प्रोडक्शन में समय लगा रहे हैं और इसके लिए मेकर्स ने फिल्म टाली है, अब इसे नवंबर में रिलीज़ किया जाएगा। देखिए, सोशल मीडिया पर इस खबर के बाद फैंस के कई तीखे रिएक्शन भी सामने आए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बात कर ली जाए, पहले ट्विटर की बात की जाए तो यूज़र ने लिखा कि टीम सलार को ना सिर्फ फैंस बल्कि पूरी इंडिया इंडस्ट्री से माफ़ी मांगनी चाहिए। सोच के देखिए कि इससे छोटे बजट की फिल्म प्रोड्यूसर को कितना नुकसान होगा। प्रभास को ग्रांटेड लिया जा रहा है, उनकी हालिया फिल्मों की प्रोडक्शन टीम मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। प्रभास की फिल्म टलने से इस तरह के कई पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब ज़्यादा दिखते नज़र आ रहे हैं। फैंस को गुस्सा आ रहा है। हालांकि सलार का स्केल कास्ट, टेक्निकल साइट और डायरेक्टर हीरो कॉम्पो इतना ज़ोरदार है कि अनाउंसमेंट के समय से ही इसमें धमाकेदार कमाई वाली फिल्म माना जा रहा है। लेकिन अब रिलीज डेट बदलने से ना सिर्फ फैंस का मूड ख़राब हो रहा है बल्कि इतनी बड़ी फिल्म टलने से इंडस्ट्री के कैलेंडर में फिर से अफरा तफरी मचनी शुरू हो गई है। धन्यवाद।